बांग्लादेश की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने खुले में नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नमाज मस्जिद या फिर ईदगाह में ही पढ़नी चाहिए। बता दें आपको, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर बवाल हो रहा है। एक हिंदूवादी संगठन ने इस मामले पर धमकी दी थी कि खुले में नमाज नहीं होगी और वो इसे रोक कर दिखाएंगे। इसके बाद इस मामले ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। बताते चले आपको, बीती 5 मई को गुरुग्राम में खुले में नमाज होने की वजह से कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मुश्किल डालने की कोशिश की गई थी। तो वहीं इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सूबे में कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा था कि खुले में नमाज पढ़ने का चलन ज्यादा हो रहा है, इससे नमाज ईदगाह या फिर मस्जिदों में पढ़ी जानी चाहिए। खैर, मोदी सरकार में इस तरह के मामले अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है, तो फिर इस तरह की बंदिशें क्यों? SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।